आज हम उज्जैन विकास खंड के ग्राम मोला खेड़ी में हमारे उद्यमी श्री सुरेश नागर जी के आए हैं। इन्होंने वर्ष 2021-22 में विभागीय योजना पीएमएफ में अंतर्गत प्याज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई थी, तो उसके बारे में आज इनसे जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश नागर, मैं मोला खेड़ी ग्राम का निवासी हूँ, यहीं का कृषक हूँ। साथ में खेती के साथ साथ ये पीएमएफ योजना के अंतर्गत उद्योग लगाया है प्याज प्रोसेसिंग यूनिट का। ये हमारे उज्जैन विकास खंड उज्जैन जिले की उद्यान की विभाग के सहयोग के द्वारा लगाया गया है और इसमें 30 लाख रुपए का बैंक लोन सेंक्शन हुआ है। 10% उसमें अतिरिक्त कृषक अंश है। टोटल जो अमाउंट है वो लगभग 33 लाख का है इसका प्रोजेक्ट का है और इसमें 9,85,000 रुपये मुझे अनुदान प्राप्त हुआ है। इसमें हम प्याज की प्रोसेसिंग करते हैं और प्याज की फ्लेक्स और पाउडर बनाते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में हम बेचते हैं। उसे तो ये होता है कि हमको हमारे जो प्याज है जो उस मार्केट में कम रेट में बिकता है उसकी अच्छी मार्केट में पैसे मिल जाते हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है और हमारा हम मार्केट में जहां हम हमारी चीज़ की एमएसपी की डिमांड करते हैं वहां हम एमआरपी लेके जा रहे हैं। हमारी खुद की आज वैल्यू है, हम हमारा जो माल है उसको हमारे रेट पर बेचते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें कि किसानों को उद्यमी बनाने से ये होगा कि उनको एमएसपी की जगह एमआरपी का फ़ायदा मिलेगा, सबसे बड़ा चीज़ ये है। और साथ में गवर्नमेंट का सहयोग कर रही है, उद्यान के विभाग में आप जाइए, वहाँ से प्रेरणा लीजिए और सारी योजनाओं का फ़ायदा उठाइए और विभाग और मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपने कहाँ कहाँ पर एक्सपो और ट्रेनिंग ली? एक्सपो ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे लोकल भी होती है जो कि उद्यान विभाग समय समय पर आयोजित करता है। साथ ही मध्य प्रदेश लेवल में भोपाल पे भी हुई थी, यहाँ 3 दिवसीय प्रोग्राम था, वहाँ हम गए थे। उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पे दिल्ली के प्रगति मैदान में भी एक्सपो हुआ था, फूड एक्सपो, उसमें भी हम वहाँ गए थे। उसके बाद अभी इंटरनेशनल लेवल का मुंबई में हो रहा है, वहाँ भी हमारा जाने का है और विभाग द्वारा ही वहाँ पे स्टॉल वगैरह और सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं और वो निःशुल्क स्टॉल की व्यवस्था होती है। आपको जाके वहाँ आपका प्रोडक्ट रखना है और उसकी मार्केटिंग करना है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग है इसके साथ। आप इस योजना के बारे में हमारे युवा उद्यमी जो इस योजना को लेना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूँगा कि आप इस योजना का लाभ उठाएं और खुद उद्यमी बने और साथ साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार देने वाले बन सकते हैं। आप मेरे यहाँ भी अभी 6 लोग कम से कम डेली वर्किंग कर रहे हैं जिनको मैं खुद रोजगार दे रहा हूँ। आप एक रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। आपको इस उद्योग की मशीनरी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये होती है कि किसी भी नए उद्यमी को पता नहीं होता है कि मशीनरी क्या क्या लगती है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसमें काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि पहली यूनिट थी हमारी उज्जैन में, उसकी मशीनरी की कोई जानकारी नहीं थी। हमने धीरे धीरे सारी जानकारी जुटाई और उसमें कुछ मशीनरी जो कि प्राइमरी लेवल पर लगाना कंपलसरी होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले होता है फिलर। फिलर का जो काम होता है इसमें प्याज आप डालोगे, कोई भी वेजिटेबल फूड हुआ उसको आप इसमें डाल सकते हो, उसकी धुलाई और छिलाई दोनों इसमें हो जाती है। उसमें स्प्रे बाहर निकल जाता है और धुलने और छिलने के बाद वो यहाँ से बाहर हो जाता है और उसके बाद उसको अपन पूरा क्लीन होकर बाहर निकलता है। उसको अपन सेकेंड स्टेप में, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप जो होती है ये ड्रायर मशीन होती है। सेकंड स्टेप में इसमें ड्रायर में उसको डालते हैं और उसमें साथ में पानी में डालते हैं ताकि उसके और जो बची खुची मिट्टी या कुछ भी अवशेष बचे हों जो खराब हो वो सारा इसमें धुल के बिल्कुल क्लीन हो जाता है। क्लीन होने के बाद ये थर्ड मशीन ये होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइजर मशीन है। इसमें स्लाइजर, कटिंग, वाइट सब है। इसमें बीट चेंज कर दिए जाते हैं और अलग अलग तरह की मशीन, आप जिस तरह की साइज चाहते हो, स्लाइज में चाह रहे हैं आप या रिंग चाह रहे हैं या वाइट चाह रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसमें होने के बाद वो नीचे आ जाती है। उसके बाद होता है डिहाइड्रेटर। ये डिहाइड्रेटर है जो कि हीट एयर ब्लो करता है। ये डिहाइड्रेटर हीट एयर जनरेट करता है और इस हीट एयर से सारी चीज़ें सूख जाती हैं क्योंकि एक समय सीमा और टेम्परेचर लिमिट होती है। इसकी टेम्परेचर लिमिट होने के बाद उसको सेट कर देते हैं और इसमें ट्रे में रखने के बाद वो सूखा देता है। और उसके बाद होता है स्लाइजर मशीन, फिलर मशीन।
परवलाइजर मशीन, परवलाइजर मशीन वो रखा हुआ है, उसमें सारे प्याज का पाउडर जो स्लाइस वगैरह बनती है उसका पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, ये सामने रखा हुआ है और ये हमारे रॉ मटेरियल रखा हुआ है प्याज का। जी धन्यवाद, बहुत बहुत।